بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صبح والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي صلوات یہ سورہ مومن کی آیت ہے. سورہ مومن قرآن مجید کا 40th سورہ ہے. ترجمہ ظاہر لفظ کا یہ ہے درجات کا بلند کرنے والا, عرش کا صاحب, رفیع الدرجات ذو العرش, یلقی الروح من امره اپنے حکم سے روح کا القا فرماتا ہے, علا من یشاء من عباده اپنے بندوں میں سے جس پر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ القاء روح ہو, اس لیے کہ یوم ملاقات سے اللہ کے بندوں کو متنبہ رکھا جائے. اس ترجمے کے بعد ایک معذرت, اور اس معذرت کے بعد میں اپنی اس بحث کو شروع کروں. آج صبح میں بات آئی لینڈ میں ایک تقریر کر رہا تھا اور وہاں اس تقریر کے دوران میں نے یہ مناسب جانا کہ بعض اہم امور جن پر وہاں مجمل بحث ہو رہی تھی ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ ان مباحث کو آنے والی کسی تقریر کے لیے محفوظ کریں. بحث
यहां से शुरू होती है कि रफी दराजात जात वाजिब ने इस सिफत को अपने लिए पसंद किया कि दरजों को बुलंद करने वाला, यानी सारी कायनात कोई जिन्स और कोई नाव ऐसी नहीं है कि जिसमें एकसानियत हो, बल्कि अगर जमादात से गुफ्तगू है तो जमादात सब एकसान नहीं है, उसमें मरातिब। अगर नबातात से गुफ्तगू है तो नबातात में हम रंगी नहीं है कि सब एकसान हो, उसमें मरातिब है। हैवानात से अगर गुफ्तगू है तो हैवानात सब के सब एक दर्जे में नहीं है, उसमें मरातिब है। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान से गुफ्तगू हो तो इंसान सब के सब एक दर्जे में नहीं है, बल्कि उसमें मदारिज हैं, दरजात हैं। अगर दरजों को इंसान जहन से अपने निकाल दे तो एक ऐसे इंसान का तस्वुर आपके सामने आएगा कि जहां जुमूद ही जुमूद हो और इम्कान तरक्की ना हो। इम्कान तरक्की ही यह साबित करता है कि दर्जाबंदी लाजिम है, दर्जाबंदी लाजिम है। चुनाचे यह बहुत आम सी बात है कि आबिद और फासिक एक दर्जे में नहीं है, फाजिर और मुत्तकी एक दर्जे में नहीं है, कुरान की इस्तेलाह में मुजरिम और मुस्लिम एक दर्जे में नहीं है, नेक और बद का एक मकाम नहीं है। सूरह जासिया, अम हसबल्लज़ीन तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाउन महयाहुम व ममातुहुम सामा यहकुमून। क्या ये लोग गुमान करते हैं कि गुनाहगारों को हम अमल सालेह बजा लाने वालों की सफ में लाके बिठा देंगे? क्या ये लोग गुमान करते हम हसबल्लज़ी नक्तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात कि हम गुनाह करने वालों को अमल सालेह बजा लाने वालों की सफ में बिठा देंगे? सवाउन महयाहुम व ममातुहुम, ये गुनहगार तो वो हैं कि जिनकी हयात और मौत एक है। सामा यहकुमून, क्या बुरा फैसला है इनका, क्या बुरा हुक्म है इनका कि एकसानियत पा रहे हैं वो नेक में और बद में। तो कुरान मजीद ने आगाज से अपने अंजाम तक दर्जा बंदी की कोशिश की है कि मरातिब है, मरातिब। तो जाहिर है कि मुसलमान की हैसियत से और कुरान के तिलावत करने वाले की हैसियत से कभी कोई अक्लमंद इंसान इस फिक्र को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि इंसानियत में दर्जे हैं और दर्जा बदर्जा तरक्की होती है। अगर ये आगाज फिक्र है कि दर्जा बंदी है तो फिर एक मकाम है दहरियत का, एक मकाम है कुफर का, एक मकाम है शिर्क का, एक मकाम है इस्लाम का, एक मकाम है ईमान का, एक मकाम है तकवा का, एक मकाम है नबूवत का, एक मकाम है रिसालत का, एक मकाम है खातिमियत का। ये दर्जे हैं, ये दर्जे हैं, लेकिन थोड़ी सी तकरार के साथ के चंद जुमलों को बहरहाल मुझे दोहराना है अपनी सुबह की तकरीर से लेकर, वो ये कि कुरान मजीद ने यह दर्जाबंदी बेउनवान शाही व शहनशाही नहीं की। ये एक छोटे से गांव का हाकिम है, एक बड़े गांव का हुक्मरान है, एक बड़ी ममलिकत का बादशाह है, ये सारे जहां का फाते है, ये इस किस्म की दर्जाबंदी कुरान ने नहीं की। फिरौन का तस्करा किया तो अपने मकाम पे, नमरूद का तस्करा किया तो अपने मकाम पे, कारून का तस्करा किया तो अपने मकाम पे, मगर जहां दर्जाबंदी का सवाल आए वहां
नेकों के दर्जे बतलाए, बुरों के दर्जे बतलाए, आमाले सालेह को मेयार बनाया, तकरीम के लिए तकवा की मोहर लगा दी, और उसके बाद यह बतलाया कि अल्लाह की निगाहों में बुजुर्गी या पस्ती अमल पर है, या अमल सालेह या अमल गैर सालेह। इस मकाम पे एक इरशाद मासूम का याद रखिए, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मासूम से पूछा गया कि फरजंद रसूल शकी और सईद की पहचान क्या है, इसलिए कि इंसान के दो ही रास्ते हैं, या शकावत है या सआदत। शकी और सईद की पहचान क्या है, इरशाद फरमाया शकी वो है जिसका अंजाम शकावत पे हो, सईद वो है जिसका अंजाम सआदत पे हो। बड़ी अजीब तारीफ, शकी वो है जिसका अंजाम शकावत पर हो, सईद वो है जिसका अंजाम सआदत पर हो। अंग्रेजी फलसफे के एतबार से इसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, यानी फलसफे नताइजियत के नतीजे को देखो आगाज क्या है, नतीजे को देखो आगाज क्या है। मासूम फरमाते हैं ये देखो कि शकी मरता है या सईद मरता है। अगर आखिरी सांसों से सआदत वाबस्ता है तो सईद था, अगर आखिरी झटके में शकावत जाहिर हो रही है तो शकी है। इसलिए कि जहां इंसान जिंदगी की हदों पर पहुंच जाए, वहां चाहता है कि विर्द जबां रहे वही के जिससे उसको जिंदगी भर मोहब्बत रही। अगर अशकिया का तस्करा है तो शकी है, अगर सईदों का तस्करा है तो सईद है। अंजाम शकावत है या अंजाम सआदत है, शकी वो सईद। अगर यह गुफ्तगु जहन में रह जाए तो फिर ये शकावत और सआदत के मदारिज काबिल गौर हो जाते हैं, कौन कितना शकी है कौन कितना सईद है। सआदत एक नहीं है, शकावत एक नहीं है। इसी वास्ते इब्न मुल्जिम को कहा अशकल अव्वलीन अशकल आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन में सबसे बड़ा शकी। इब्न मुल्जिम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए अशकल अव्वलीन वाला आखिरीन। बिल्कुल उसी तरह सुआदा में, सआदत पाने वालों में जिनको सआदत मैसर होती है उनके मदारिज हैं, और उन मदारिज का दारो मदार उनके अपने इक्तिसाब पर है, अमल पर। तो मुख्तसर गुफ्तगु ये कि दर्जा बंदी है इस्लाम, एक मसले से टकराव तो होगा मगर रहने दीजिए जहन में, इस्लाम में उखूवत तो है, मुसावात नहीं है। उखूवत तो है मुसावात नहीं है। इस दिल दिमाग से इस तसव्वुर को हटा दे, ये किसी और प्लेटफॉर्म के लिए यह नारा मुनासिब है। मजहब इजाजत नहीं देता इसकी कि सबको मुसावी देखे, ना अंबिया मुसावी है ना औलिया मुसावी है ना सुआदा मुसावी है, और इस तरह से मुसावत का कोई तसव्वुर है। तो जहां मदारिज है वहां हर पस्त दर्जे वाला आला दर्जे पर नजर रख के उसका मुतमन्नी होता है कि वो मुझे वो मकाम मिलता, मुझे वो जगह मिलती। चुनाचे मशहूर अहादीस है कि जब शुहदा मैदान महशर में आएंगे तो अंबिया गिप्ता करेंगे कि परवरदिगार ये किसकी सवारियां आ रही हैं, तो पता चलेगा ये शुहदा है, बताया जाएगा कि ये शुहदा है। तो वहां हमेशा एक बुलंद दर्जे को देखकर एक तमन्ना होती है कि ये मकाम काश हमको मिलता। तो इस तमन्ना को भी इस्लाम ने जायज करार दिया बशर्ते के हसद न हो। अगर हुसूल के लिए तमन्ना है कि मैं भी ऐसा ही अमल करूं तो यह जायज है,
और अगर नहीं, रोकने के लिए है, टोकने के लिए है, उसको आगे बढ़ने से मना करने के लिए है, हसद करने के लिए है, तो ये बुराई है। और यहीं से शकावत का आगाज होता है। हर इंसान ये चाहता है कि कोई बड़ी मंजिल उसको मिले, वो बड़ी मंजिल जिस पर दूसरे बार याद है, दूसरे पर याद है। कुरान मजीद ने बार बार ये सूरह मोमिन की आयत, मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं सूरह अनआम की, तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़ऊ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। ये हमारा इस्तेदलाल था जो हमने इब्राहिम को अता किया, हम जिसके दर्जे को चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, तेरा रब हकीम भी है अलीम भी है, जिसके दर्जे को चाहते हैं हम बुलंद कर देते हैं। एक और मंजिल पर इरशाद हुआ कि यरफ़ाइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह साहिबान ईमान और साहिबान अमल सालेह के दर्जात को बुलंद करता है। एक और मंजिल पर इरशाद हुआ साहिबान इल्म के दर्जों को बुलंद करता है। एक और मंजिल पर इरशाद हुआ फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम पर एक और आलिम का दर्जा है। इस तरह से ये दर्जे बढ़ते चले जाते हैं। अगर ये गुफ्तगू आपके जहन में आ गई तो हमने ये देखा कि इस्लाम में, ईमान में, तकवा में, ज़ुहद में, करामत नफ्स में, फजाइल शख्सी में एक ऐसी भी मंजिल है बुलंदी की, सआदत की, बरकरी की, कि जिसके मापाओं कोई दर्जा समझ में नहीं आता, जिसके मापाओं कोई दर्जा समझ में नहीं आता। और वो दर्जा यह है कि मिल्लत इस्लामिया और एक कथा दुरुस्त हुई इब्राहिम आले इब्राहिम, एक कथा इब्राहिम के साथ नमरूद नहीं, वो कथा बिगड़ती है, कथा बदलती है, दर्जे बदल जाते हैं। अब जहन में बिल्कुल उसी तरह अब आ गया तस्करा मोहम्मद का, तो फिर कथा एक रहे, कथा एक रहे। अगर शाहियां यह समझती कि हम भी सफ़े मोहम्मद पर हैं, अगर मुलुकियत यह समझती कि हमारी भी यही सफा है, तो मुमकिन है कि जिन जिन बादशाहों के चश्मों अबरू की गर्दिशों पर फुकहा फतवे दिए जा रहे थे, और जहां अबू यूसुफ का कलम मुसलसल मुतहर्रिक था बे ईमाए हारून रशीद, बहुत आसान बात थी किसी आयत की तफसीर करते हुए ये कह दिया जाता कि बादशाह वक्त को भी दुरूद में शामिल किया जाए। देखिए जहां उलुल अम्र की तशरीह नहीं हुई वहां तो शाही को लाके उलुल अम्र में दाखिल किया और कहा हां साहेब अम्र है, साहेब हुक्म। मगर मुफ्तियों के फतवे, मुहद्दिसीन की नकल शुदा अहादीस, मुफस्सिरीन की तफसीरें, मुफक्किरीन के आरा, किसी में भी यकूबत न थी कि किसी घराने के अजमत व इजलाल का ख्याल करते हुए उसको दुरूद में दाखिल करता, और अगर करता तो क्या होता। अगर दुरूद में आले अब्बास आते तो नतीजा क्या होता, मोहम्मद को तो रहना था, आले अब्बास फानी थे। दुरूद की बुनियादें लरज जाती, मेरे जुमले को समझिए, दुरूद की बुनियादें लरज जाती कि एक बाकी हिस्सा एक फानी हिस्सा, लाजिम था कि दुरूद मुकम्मल हो कि बाकी के साथ बाकी जाए।
शायद ये एक ही मकाम था जहां शाही को खिजालत हुई, एक ही मकाम था जहां मुलुकियत शिकस्त खा गई, ये एक ही मकाम था जहां शहंशाही अपने लिए कोई जगह न पैदा कर सकी और दुरूद आगे बढ़ गया और दुरूद आगे बढ़ गया इस शान से जैसे सैले रवां बढ़े और इस शान से कि जैसे कसो काशाक को किनारों पर फेंकता हुआ जाए, इस तरह से दुरूद आगे बढ़ता चला हर दौर में, हर असर में, हर जमाने में। कभी कभी कोई बेदार मग्ज जागता और कहता कि जरा आल की तशरीह कीजिए, आल की तशरीह कीजिए। तो उस तशरीह की हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो आल में शामिल होना चाहे वो तशरीह करे, जो आल में शामिल होना चाहे वो तशरीह करे। हमको जरूरत नहीं है इस वास्ते कि हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं कि एक नाम के बाद दूसरा नाम तलब रहमत के लिए ذات واجب کی بارگاہ میں دعا بن کر جب جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ درجے کے ایک اعتبار سے ایک بہت بلند ہو اور ایک بہت پست ہو۔ دعا کی تو برابر برابر کے لیے دعا کی، پروردگار رحمت کو نازل کر اور اس شان سے دعا کی کہ درمیان میں لفظ اعلیٰ بھی کھل گیا، یہ بھی نہ رہے۔ اب جو رکھنا چاہے تو خیر عربیت کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے، رہے رہے، مگر اس کے ساتھ کوئی فاصلہ پیدا کر کے کسی اور ڈائناسٹی کو، کسی اور قبیلے کو، کسی اور خاندان کو تو لا نہیں سکتے۔ تو اب اختصار کلام یہ کہ یہ ایک معجزہ ہے آل محمد کا، ہر دور میں، ہر دور میں، جہاں تفسیر خاموش، جہاں منطق حیران، جہاں کلام ساکت، جہاں افکار انسانی حیرت میں کہ یہ کس شان سے یہ جملہ زبان زد خاص و عام ہو کر آگے بڑھتا جا رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے سب کی زبان پہ ورد ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہر دعا رد ہو سکتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر دعا رد ہو سکتی ہے۔ پروردگار مجھے صحت دے، پروردگار مجھے روزی دے، پروردگار میرے بچوں کو پروان چڑھائے، ہر دعا رد ہو سکتی ہے الا اس دعا کے کہ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد۔ یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر قبولیت کو ارد گرد پایا اور کہا دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، اور رحمتیں مسلسل آئیں، رحمتیں مسلسل آئیں۔ اس منزل پر پہنچ کر اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی ایک کلمہ ورد زباں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ چلتے چلتے اگر کہیں آدمی گرے اور بے وقت نزا کا جھٹکا لگے اور بے اختیار زبان سے نکلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد، تو امین المومنین فرماتے ہیں چونکہ انجام سعادت پر ہے، انجام سعادت پر ہے، اس لیے عادت ڈالو درود کی۔ معلوم نہیں کب دم اکھڑے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر انجام سعادت پر ہے تو زندگی سعید کی ہے۔ اور پھر اتنی مجرب دعا، اتنی مجرب دعا جہاں ولادت پاک ہو، جو گناہوں کا کفارہ بن جائے،
जहां इंसान अपने आप को इस दुआ के बाद उस घराने से मुत्तसिल पाए, नजदीक पाए, तो क्यों ना विरद जबां हो, क्यों ना हम इसकी आदत डालें। और फिर जबकि इसका हुक्म हो, जबकि इसका हुक्म है, और फिर हुक्म भी ऐसा कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अम्र कि तुम दुरूद भेजो। तो मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि फजाइल में आले मोहम्मद के कहीं अगरचे कोई कमी ही नहीं, मगर इस शान के फजाइल है जहां फजीलतें जिंदा हैं, जावेदानी है, उसमें माजी की गुफ्तगू नहीं है। अगर आपसे और नौजवान दिलो दिमाग से कोई ये पूछे आले मोहम्मद की कोई फजीलत बयान करो जो ताजा हो, और आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कोई है इसका जवाब? कोई है इसका जवाब? कोई मुकाबिल में कोई है किसी की जबान पर कोई और कलेमा? नहीं है। तो ये है वो जिंदा जावेद घराना के जहां एक एक फजीलत दवाम रखती है और मौजजा बनती है, और इन मौजजात में के जहां बे अख्तियार यूनिवर्सिटी की क्लासेस में तारीख इस्लाम पर गुफ्तगू करते हुए नहायत सुकून के साथ किसी का खामोशी से ये कह के गुजर जाना कि खैबर फसाना है, मरहब नामी कोई शक्ति नहीं था, खंदक में तो तेज हवाएं चली थी, हिजरत में तो बिस्तर पर सोए थे, डर क्या था। तो माजी के हर वाकये को किसी निगाह से देखने वाले जरा दुरूद पढ़ के एक मरतबा गौर करें। या फिर ये कि दुरूद रोक दें, मुस्तकिल बहस होगी। या फिर ये कि दुरूद रोक दें, दुरूद रोका नहीं जा सकेगा, दुरूद रोका नहीं जा सकेगा। इस वास्ते एक मकतब फिकी मुस्तकिल इस्लाम में मौजूद है इमाम शाफी अलैहि रहमा का, मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, ऐ आले मोहम्मद जो तुम पर दुरूद न भेजे उसकी नमाज ही नहीं है। हजरत मोहम्मद इब्ने इदरीसे शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तारीख विलादत 150 हिजरी, जिनका सन वफात 204 हिजरी है, उनका अकीदा यह है कि ऐ आले मोहम्मद अगर आप पर दुरूद न भेजा जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। एक मुस्तकिल फतवा मौजूद है एक मकतब फिकी का, यह हमारा फतवा नहीं है। अगर हम देते या हमारे उलमा ये गुफ्तगू करते तो यही कहा जाता कि मोहब्बत है इस घराने से, मगर नहीं, एक और भी मंजिल है, और वो मंजिल ये है कि तुम पर दुरूद न भेजे तो नमाज कबूल नहीं है। तो जाहिर है चूंकि एक फकीह थे वो, तो वो एक ऐसे मसाले तक जाना चाहते थे जहां अहमियत मालूम हो कि नमाज वो है कि अगर कबूल हो तो सारी इबादतें कबूल हैं, अगर रद्द हो तो सारी इबादतें रद्द हैं, और दुरूद न हो तो वो भी रद्द है। यही है ना, इमाम शाफी ने रास्ता इख्तियार किया, मगर हकीकत यह है कि दुरूद अगर ना हो तो इंसानियत कब है। एक नई फिक्र, वहां तो नमाज से गुफ्तगू थी, इंसानियत से गुफ्तगू है, इस्लाम पे गुफ्तगू है। इस्लाम कब है? इसलिए कि दुरूद ऐलान-ए-शुक्र है, ऐलान-ए-शुक्र,
اور پیغمبر کے احسانات کا اگر شکریہ ادا نہ ہو تو وہ ناشکر گزاری ہے, کفران نعمت ہے. جہاں کفران نعمت آئے وہاں ہدایت نہیں ہے. اس لیے شاید اس عمر پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ درود سے انکار کرنے والا اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں کیسے باقی رکھے گا. آپ فکر کریں, آپ غور کریں, درود سے انکار کرنے والا اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں کیسے باقی رکھے گا. آئیے چند دقیقے اور, وہ یہ کہ آپ نے ایک ایسا نسخہ حیات ڈھونڈا ہے اپنے تعارف کے لیے نہیں, اپنے عقائد کے تعارف کے لیے نہیں, بلکہ خلاصہ ایمان بنا کر, خلاصہ اسلام بنا کر, خلاصہ دین بنا کر آپ نے کہا کہ یہ ہے درود, یہ ہے درود. اب اگر پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی مسلسل یوں کہتا جائے اللہم صلی علی محمد اور رک جائے, یا یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہیں سے یہ آواز بلند ہو, کہیں سے یہ آواز بلند ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ خود یہ اپنے افکار میں, اپنے اعمال میں ایک دوئی پیدا کر رہا. جب درود پڑھتا ہے تو ابراہیم کے ساتھ آل ابراہیم کا نام لیتا ہے, محمد کے ساتھ آل محمد کا تذکرہ کرتا ہے جب درود کامل پڑھتا ہے, اور جب پیغمبر کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. اسی بات سے آپ کو بتلاؤں, شافعی علماء جب کبھی یہ لکھیں گے اپنی کتابوں میں تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ شافعی علماء, یعنی آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ شافعی ہے. اور ان کے علاوہ جب کوئی نام لے گا تو کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس میں بھی ایک نزاکت ہے, اور وہ یہ نزاکت ہے کہ آل کو ہٹانے کے بعد کیا کوئی ایسی منزل ہے صلی اللہ علیہ والا امت ہی, کوئی ایسی منزل آ سکتی ہے صلی اللہ علیہ والا جمیع المسلمین؟ نہیں, نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ اگر رکے پیغمبر کے نام پر تو اس لیے رکتے ہیں کہ آگے سطح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آگے سطح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آگے نام کس کا لیں, اب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے آپ ان کو معاف کریں جو صلی اللہ محمد پہ رک گئے یا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گئے, اسی لیے رک گئے کہ ان کو آگے راستہ نہیں ملا, آگے راستہ نہیں ملا. اگر ذرا بھی سطح, ذرا بھی سطح سمجھ میں آتی تو سب کو شامل کرتے, مگر نہ ملوکیت کی سطح سمجھ میں آئی, نہ شاہی کی سطح سمجھ میں آئی, نہ شہنشاہی سمجھ میں آئی, نہ امام الصرف, نہ امام الکلام, نہ امام المنطق, نہ امام الفقہ, کوئی بھی ایسا سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اپنی ساری بلندیوں پہ جا کے درود میں آئے. تھوڑی سی توجہ, یہ آخری جملے, وہ صوفی صحیح, صوفیا کا سردار صحیح, سب کا سرتاج صحیح, اولیاء کا رہبر صحیح, اولیاء کا سرتاج صحیح, ولایت میں کامل صحیح, صاحب معجزات باہرات صحیح, مگر ایک حد ہے, ایک حد ہے, اور اسی حد پہ رہنا ہے, درود میں نہیں آ سکتے. اس لیے کہ اولیاء نے, ان اولیاء نے بھی جو درود پڑھا ہے وہ یہی پڑھا, اللہم صلی علی
मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, वो अपने को ला नहीं सके। देखिए अब इस सिलसिले में तारीखुल औलिया आपके पेश नजर रहे और कभी कभी वो मंजिलें भी रहे कि जहां बड़े बड़े सूफिया किराम ने लेमनिल मोल का नारा लगाया था और जहां से इकबाल ने अपनी किताब के पहले जुमले को शुरू किया था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और उनका पहला जुमला यह था कि एक बहुत बड़े सूफी ने जिसका नाम उन्होंने नहीं लिखा मगर नाम उनका है बायजीद बुस्तानी, एक बहुत बड़े सूफी ने यह कहा कि खत्मी मर्तबत को मेराज हुई वो जाके आ गए और अगर मुझे मेराज होती मैं वहीं रह जाता। ये इकबाल ने शुरू किया है इस जुमले से अपनी किताब, पैगंबर को मेराज हुई वो जाके आ गए, मुझे मेराज होती मैं वहीं रह जाता, ये फर्क है मोहम्मद और गैर मोहम्मद। लेके देता है यह है दुरूद, रहमतें लेता है और देता है। और इसी सिलसिले में जो आले मोहम्मद आए वो इसीलिए आए कि उधर से कबूल किया इधर से अता किया, कयामत तक लेते रहेंगे, कयामत तक देते रहेंगे। इसलिए नाज है आले मोहम्मद पर, हमको इसलिए नाज है आले मोहम्मद पर, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते ये नाम इसीलिए विरद ज़बां है, ये कलमा इसीलिए विरद ज़बां है कि उधर से रहमत आती है तो रुकती नहीं है अता रास्ता पर। इसीलिए अल्लामा मजलिसी ने बड़ी तफसीली बहस की थी दुरूद पर और यह कहा था कि तलब रहमत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे शहर से बाहर खजाना आब बना दिए जाए, उसमें अब्र बरसे पानी जमा हो और वो खजाना आब से एक शहर में एक एक घर में छोटी छोटी नालियां लगा दी जाए कि जैसे आसमान से पानी गिरे वो तालाब उसको न रोके बल्कि तालाब उसको तकसीम करता जाए एक एक घर तक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, रहमतें उधर नाजिल हुई रहमतों में हम गिर गए, रहमतों में हम गिर गए। गुफ्तगु खत्म हुई, अज्जबु औलादकुम अला हुब्बे आले मुहम्मद, अरे दोस्तों अपने बच्चों को अदब सिखलाओ आले मुहम्मद की मोहब्बत का, अपने बच्चों को अदब सिखलाओ कि देखो दुरूद में अदब क्या है, उठते बैठते जब दुआ का मौका है तो पहले दुरूद और आखिर में। गुफ्तगू खत्म हुई, मरकज़ दुरूद के जहां जाके नबी सलाम करें, आये तथीर की तिलावत करें, आये दुरूद की तिलावत करें और इज़्ज़त ले, बेटी तेरे बाप को इजाजत है कि इस घर में दाखिल। मरकज दुरूद जहरा, एक मुस्तकिल बहस है और इस बहस को बड़े तफसील के साथ लेके जाना है कि गुफ्तगू पर्दे से शुरू होती है गैबत इमाम पे जाके खत्म होती है। या आले मोहम्मद, मरकज दुरूद इंसी ए हौरा दुर्रतुन नौरा मरियम कुबरा फ़क्र आसिया रश्क सफूरा खैरुन निसा हव्वाए आलम अकली सूरत नफ्स कुल्ली बिज़अतुर रसूल जहरा बतूल सलवातुल्लाह व सलामहु अलैहा। वो शहजादी हैं कि जिनके मुतालिक सिर्फ इतना कह देना काफी कि ये मरकज आले मोहम्मद,
मरकज आले मोहम्मद है और मरकज दायरे में हमेशा गायब होता है। दायरे में मरकज नजर नहीं आता, मरकज आले मोहम्मद है इसलिए पर्दे में है। और दुरूद भेजने वाले कयामत तक जब तक दुरूद भेजते रहेंगे, रात दिल जहरा उसको कबूल करता रहेगा और वहीं से दुआएं होंगी, वहीं से अताएं होंगी, वहीं से अफजाल होंगे। और इस तरह से कभी किसी मौके पर भी उनको याद करने वाले महरूम नहीं रहेंगे। ईसा अलैहि सलाम की एक मजलिस को खात्मे पर पहुंचा रहा हूं और एक ऐसी मरहूमा के लिए ये ईसा अलैहि सलाम का इंतजाम उनके वरसा ने किया है कि जिसको जिक्र आले मोहम्मद का शगफ था। बस इतनी ही गुफ्तगु और उसके बाद यकीनन ये तवक्को है कि जहरा महरूम नहीं करेंगे, किसी को महरूम नहीं करेंगे, गुलामों को महरूम नहीं करेंगे, परेशान हालों को महरूम नहीं करेंगे। मैंने एक मरतबा नहीं बारहा कहा और कहते हुए कभी हिजाब नहीं होता, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब कभी आलम हैरत हो और परेशानी हो तो इस शहजादी को पुकारो, इस शहजादी को आवाज, या फातिमतो बिन्त मुहम्मदिन अदरिकीनी, मोहम्मद की बेटी फातिमा मेरी मदद करो। कभी आप महरूम नहीं आएंगे, कभी महरूम नहीं आएंगे, इसलिए कि वो जान रही है बीबी कि उसने आवाज दी है कि जिसने अपने गम को गमे आले मोहम्मद में जम कर दिया, महो कर दिया, जब जिसने अपनी खुशी को आले मोहम्मद की खुशी में जज्ब कर दिया, इसलिए वो शहजादी किसी को महरूम नहीं करेंगे। और हक पहुंचता है उस बीबी को कि जहां कहीं सिलसिले तारीख में, जहां कहीं किसी सैयद से कोई मुसीबत हो, दिल जहरा तड़प जाए, दिल जहरा तड़प। और जब सादात के लिए ये बेचैनी है तो करबला में क्या हाल हुआ हो, मदीने से निकलते वक्त क्या हाल हुआ होगा, बादे करबला जहरा का क्या हाल हुआ होगा, दरबारों में, कैद खानों में शहजादी पर क्या गुजरी होगी। गुफ्तगू का अंजाम, उलमाए मकातिल का अंदाजा यह है कि शहजादी ज़ैनब ने बादे करबला अपनी मुसीबतों का किसी से शिकवा नहीं किया, बादे करबला अपनी मुसीबतों का किसी से शिकवा नहीं किया, चुप थी, खामोश। कूफा गई तो चुप रही, शाम आई तो चुप रही, कैद खाने में चुप रही, रिहा होके करबला आई तो भाई से भी कुछ नहीं कहा, भाई से भी कुछ नहीं कहा। चाहती तो कह सकती कि भाई आपके बाद मुझसे ये मुसीबतें आई, नहीं कहा। मदीना आई तो नाना से भी नहीं कहा, बस हो गई गुफ्तगू। जब घर लौट के आई तो आबिद बीमार से कहा, बेटा इजाजत है, शाम को जाऊं जन्नतुल बकी, शाम को जाऊं अम्मा की लहर से। आबिद बीमार ने कहा, फूफी अम्मा इजाजत की क्या जरूरत, जरूर से डर कसवैनी लिखते हैं कि रात का मौका था, नाके पर सवार हुई एक कनीज को लेके, कुछ और चलना चाहते थे, आइंदा सबको रोका,
जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुंची, दूर से माँ की खबर को देखकर अपने आप को नाकल से गिरा दिया और बानुओं के बल, घुटनों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, ये कहते हुए कि अम्मा ज़ैनब कुछ कहने के लिए आई। एक मतवा सूरह हम्द और तीन मतवा इख़लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मोहम्मद वाल मोहम्मद का मरहुमा को जवार मासूमीन में जगाता हूँ। परवरदिगार हमारे अमवात को बख्श दे, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, ताजील फरमा, ज़ुहूर हुज्जत